मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा क्षत्रिय समाज की मांगों को मान लिया गया है, जिसके बाद आज सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के कई संगठनों ने सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया, जहां सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। सीएम शिवराज को दिया धन्यवाद, क्षत्रिय समाज ने दिया धन्यवाद, क्षत्रिय समागम का किया आयोजन, सीएम ने मानी क्षत्रिय समाज की मांगे। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान से कुछ दिन पहले क्षत्रिय समाज का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था, जिन्होंने उनके सामने करीब 21 मांगे रखी थी, जिन्हें सीएम ने तत्काल मान लिया था। इसी के एवज में क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम शिवराज को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने की अपील की थी, जिसके बाद आज सीएम हाउस में क्षत्रिय समागम का आयोजन किया गया। क्षत्रिय समाज ने एट्रोसिटी एक्ट में जांच के बाद कार्रवाई, रानी पद्मावती का भव्य स्मारक बनाने समेत अन्य मांगे रखी थी, जिसको मूर्त रूप देते हुए कार्यक्रम के बाद ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मनभावन टेकरी पर रानी पद्मावती का स्मारक बनाने के लिए भूमि पूजन किया। अवसर पर मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, गोविंद सिंह राजपूत, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार, ओपीएस भदौरिया, राजपूत महापंचायत राजवेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान, करणी सेना अम्मू के प्रदेश अध्यक्ष पवन भदौरिया, राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रगतिशील राजपूत समाज के प्रदेश संयोजक सतीश सिंह राजपूत समेत अन्य समाजसेवी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।